सास बहु की कार्तिक मास की कहानी। प्यारे मित्रों, आपका स्वागत है। आज हम आपको कार्तिक स्नान के महत्व की कहानी सुनाते हैं। बहुत समय पहले एक गांव में एक सास बहु रहती थी। जब कार्तिक का महीना आया, तब सारे गांव वाले गंगा जी में कार्तिक स्नान के लिए हरिद्वार जाने लगे। सास ने बहू से कहा कि मैं कार्तिक नहाने हरिद्वार जा रही हूँ। तब बहू बोली, सासू जी, मैं भी आपके साथ चलूंगी और कार्तिक स्नान करूंगी। सास ने बहू से कहा, अभी तो तुम बहुत छोटी हो, तुम्हारी उम्र नहीं हुई है, अभी मुझे कार्तिक नहाने दो, तुम फिर कभी चली जाना। तुम घर में ही रहकर बाकी कामकाज देखो, मैं अकेले ही जाऊंगी। ऐसा कहकर सास चली गई। तब बहू कुम्हार के पास गई और उससे 33 मिट्टी के कुंडे खरीद लाई और उन्हें छत पर रख दिया। वो रोज रात को एक कुंडे में पानी भरकर रखती और सुबह सुबह उठ के उस जल से नहाती और कहती, सास नहावे उंडे बैठ, बहू नहावे कुंडे बैठ, हर हर गंगा, मन चंगा तो कटौती में गंगा। ऐसा कहते ही गंगा जी की जलधारा बहू के कुंडे में आ जाती। बहू नहाकर उस कुंडे को उल्टा करके रख देती। एक दिन जब सास हरिद्वार में गंगा नहा रही थी, तब सासू की नथ गंगा जी में गिर गई। इधर जब बहू नहाने लगी और बोली, हे गंगा मैया, आपकी जलधारा मेरे इस कुंडे में आ जाए, और बोली, सासू नहावे उंडे बैठ, मैं नहाऊं कुंडे बैठ। इतने में गंगा जी की धारा बहू के कुंडे में आ गई। गंगा जी की जलधारा के साथ उसकी सास की नथ भी उस कुंडे में आई। बहू नथ देखकर पहचान गई और बोली, ये तो मेरी सास की नथ है। कार्तिक का महीना समाप्त हुआ, तब सास सहित सारे गांव वाले हरिद्वार से वापस आए। बहू सास को लेने गई, जाते समय सास की नथ पहन कर गई। जब सास ने बहू को अपनी नथ पहने हुए देखा तो कहा, ये तो मेरी नथ है, तुम्हारे पास कहाँ से आई? तब बहू बोली, सासू जी, आप नहाए उंडे बैठ और मैं नहाई कुंडे बैठ। मैंने नहाते समय हर दिन राधा दामोदर जी का नाम लिया तो रोज गंगा मैया की जलधारा मेरे कुंडे में आती। आपकी नथ भी मुझे धार के साथ मेरे कुंडे में ही मिली। सास बोली, मुझे ब्राह्मण भोजन करवाना है। तो बहू ने कहा, अगर आप चार ब्राह्मण को भोजन कराओ तो मेरे लिए दो ब्राह्मण को और बुला देना, मैंने भी कार्तिक स्नान किया है। तब सास ने कहा, तुमने कहाँ कार्तिक स्नान किया है? गंगा जी कहाँ जाकर आई है? बहू बोली, चलो आप ऊपर छत पर चलो, मैं आपको सब बताती हूँ। सास जब छत पर गई तो देखा कि बहू ने जो 33 कुंडे उल्टे रखे थे वो सारे सोने के हो गए। बहू बोली, मैं हर दिन एक कुंडा भर कर रखती और सुबह सुबह उठकर नहाती और कुंडा उल्टा करके रख देती। सास को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो बोली, तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, इसलिए गंगा जी की धारा तुम्हारे कुंडे में आई, कुंडे सोने के बन गए। मेरे मन में अहंकार था, मैंने ऊपरी मन से गंगा स्नान किया, इसलिए मुझे तो कुछ नहीं मिला। बहू, तुमने पूर्ण श्रद्धा भाव और भोले मन से कार्तिक स्नान किया है, इसलिए तुम्हें राधा दामोदर जी भगवान मिले हैं। हे गंगा मैया, जैसे बहू के घर तुम्हारी जलधारा आई वैसे हमारे भी आना। हे कार्तिक महाराज, जैसे उस बहू के ऊपर कृपा की वैसी कृपा इस कहानी के कहने सुनने वालों पर करना, खोटी की खरी और अधूरी की पूरी करना।